चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है, हमको इस दूषित वातावरण को शुद्ध करना है। हम कसम खाएं, हम जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे अगर चौर साहब को श्रद्धांजलि देने आए। चौ चरण सिंह का हमेशा ये कंसेप्ट था कि हमको अगर हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हमको पहले अपने गांव को मजबूती देनी पड़ेगी, गांव के पलायन को रोकना पड़ेगा। हमको उन चौधरी चरण सिंह की राह पे चलना है जिन्होंने हमारे वजूद को कायम रखा। बहनों, बच्चों व नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं, ये हमारे युवा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज चौधरी चरण सिंह जी की 21वें जन्मदिन उसके 121वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया। बहुत ही विशेष महत्व है इस दिन का हमारे जीवन में। चौ चरण सिंह जी के जीवन को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, एहसास किया जा सकता। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिनको उनके चरणों में बैठ के सीखने का सौभाग्य मिला। उन्नीस से 1987 तक मैं संपर्क में रहा। 85 से 87 तक बीमार रहे, लेकिन 78 से 85 तक का जो दौर था उसमें बहुत गहराई से उनको जानने और समझने का अवसर मिला। हमारे साथी उस समय के अजीत सिंह हुड्डा जी आपके बीच में बैठे, जब हम सक्रिय थे, इमरजेंसी के दौर का समापन था 77 में, और इमरजेंसी के दौर के बाद देश में एक परिवर्तन आया। 47 से 77 का जो दौर था वो आजादी का दौर था, और आजादी के दौर में लोगों का समस्याओं की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। एक लंबा 700 साल की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ था, लोगों का फोकस केवल एक बात पे था कि हम आजाद, गुलामी से मुक्त हुए। सवाल नहीं करते थे लोग, केवल उस आजादी के जश्न को 30 साल तक मनाते रहे। उस समय का जो सत्ता पक्ष था उसमें निरंकुशता आई और कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का हनन हुआ उनके जो कार्यशैली थी उसके माध्यम से। और उस प्रजातंत्र के हनन के विरोध में देश में एक बड़ा आंदोलन, एक आंदोलन की परिवर्तन की लहर आई, और उस परिवर्तन में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ जिसको जनता पार्टी के नाम से जाना गया। जनता पार्टी से अगर चौधरी चरण सिंह को निकाल दिया जाए तो जनता पार्टी कुछ भी नहीं थी। और मैं और भी बताऊं आपको, चुनाव जो 77 में हुआ वो जनता पार्टी के नाम जनता पार्टी था, लेकिन कागजों में जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं थी। लोकदल के नाम से चुनाव हुआ, जो फार्म भरे गए, जो कागजी कार्रवाई हुई, क्योंकि जनता पार्टी तो रजिस्टर्ड थी नहीं। 77 का अगर आप निर्वाचन आयोग का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो लोकदल के नाम से वो चुनाव हुआ था और लोकदल के सिंबल पे वो चुनाव हुआ था। उसको बनाने में चौल साहब की अहम भूमिका थी। एक परिवर्तन हुआ,
आम आदमी सत्ता के नजदीक गया। पहले कुछ घरों में सत्ता थी, सिलेक्टेड कुछ लोग थे जो 30 साल से सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहे थे। जनता पार्टी और चरण सिंह का समय आने के बाद सत्ता आम आदमी की तरफ सत्ता गई। एक परिवर्तन आया, रामदेवेश यादव यहां के मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने जो नाई जाति से थे, देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। किसान वर्ग के जो लोग थे वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचे, ये पहला मौका था। चौल साहब के ये प्रयास थे कि सत्ता के वास्तविक हकदार वो लोग हैं जो गांवों में रहते हैं। देश की 80% जनता गांवों में रहती थी, 20% शहर में थी। एक दौर ऐसा था जो 1952 का पहला चुनाव था लोकसभा में, 80% प्रतिनिधि शहर के थे, 20% जनसंख्या और 80% नुमाइंदे शहर से आते थे। गांव में भी शहर के लोग आके चुनाव लड़के और दिल्ली की संसद में जाके बैठते थे। चरण सिंह के समय में यह परिवर्तन हुआ कि सत्ता को गांव की तरफ, विकेंद्रीकरण सत्ता का किया, चौहान साहब ने गांव की तरफ सत्ता को लेके गए। वो एक बड़ा परिवर्तन था जिसके नतीजे आप देख रहे हैं आज। लेकिन इस तरह की सत्ता की कल्पना चरण सिंह की नहीं थी। आज सत्ता में, आज दिल्ली की संसद में नुमाइंदगी तो हमारी है, लेकिन नेतृत्व हमारा नहीं। संसद का चेहरा तो बदल गया, किसान और मजदूर के प्रतिनिधि तो वहां दिल्ली पहुंच गए, लेकिन ज्यादातर जो दिल्ली पहुंचे वो नेता नहीं है, वो वहां पे डेस्क है। आप आजकल तो टेलीविजन में देखते होंगे, सांसद जहां बैठता है उसके सामने डेस्क लगे हुए हैं। चंद सांसदों को बोलने का अधिकार संसद में है, बाकी जो है 5 साल उस डेस्क को बजाते हैं। जब तक डेस्क बजाने वाले लोग हमारा नेतृत्व करेंगे तब तक किसान और गांव आजाद नहीं हो सकता। उस दिन किसान और गांव आजाद होगा जिस दिन हमारा नेतृत्व करने वाले लोग संसद में बैठेंगे, जो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। चरण सिंह यही चाहते थे। चरण सिंह ने एक लाइन दी थी, चौधरी चरण सिंह 1937 में पहला चुनाव जीते, 37 से लेके 1987 तक लगातार वो किसी ना किसी सदन के सदस्य रहे। 60 साल का अरसा कोई कम नहीं होता। यूपी की असेंबली में उनका बड़ा अहम रोल रहा। वो दिल्ली की संसद में पहुंचे, आज कोई कॉरपोरेटर, एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा, आज कोई कॉरपोरेटर अगर चुनाव जीत जाता तो 5 साल में 10-5 करोड़ का आदमी हो जाता। 1987 में चौल साहब की मृत्यु हुई, देश में उनके पास घर नहीं था, एक विश्वा जमीन उनके नाम से बोझोत की नहीं थी और 23 रुपए उनके बैंक के खाते में थे, वो थे चौधरी चरण सिंह। कोई संपत्ति नहीं। आज संभव है, आज गांव का प्रधान जो है एक साल में उलट फेर कर देता, बड़ी बड़ी गाड़ियां भागने लगती हैं। एक टर्म में वो उसका सारा कुछ बदल जाता। चौधरी चरण सिंह 60 साल
संसदीय कार्य मंत्री रह के और प्रधानमंत्री तक चौचरण सिंह गए और 23 रुपए की संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ के गए, वो चौधरी चरण सिंह थे जिसकी आज जिनको याद करने के लिए हम और आप एकत्रित हुए। मैं भाई गौरव को बधाई दूंगा। यहां बहुत लोग बैठे हैं जो मेरे से ज्यादा चौचरण सिंह को जानते हैं। चौचरण सिंह का कार्य क्षेत्र रहा ही है, लेकिन यहां वो पीडीपी बैठी है जो चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद जिनका जन्म हुआ। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं, आज 36वां साल उनको गए हुए हमारे बीच से चल रहा, जो 36 साल का जो नौजवान वो चौचरण सिंह के बारे में कुछ नहीं जानता, समझता नहीं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ घूमता, उसको गुमराह करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा। हमको इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पड़ेंगे और उनके माध्यम से बताना पड़ेगा हम उन चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, हमको उन चौधरी चरण सिंह की राह पे चलना है जिन्होंने हमारे वजूद को कायम रखा, जिनकी वजह से आज हम बैठ के सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं और हम जिनकी वजह से आज अपने आप को बड़े सम्मान के साथ ये कह रहे हैं कि मैं 10 बीघे 20 बीघे 50 बीघे 100 बीघे का मालिक। एक दौर ऐसा आया था इस देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू रशिया की कृषि नीति से बहुत प्रभावित थे। 1969 के नागपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रेजुलेशन लेके आए कि हिंदुस्तान में खेती रशिया के तर्ज पे की जाए। रशिया में कैसे खेती की जाती है? किसी किसान के पास खाता नहीं, बही नहीं, कागजों में उसके जोत में नाम नहीं, सारी जमीन सरकार की, बड़े बड़े फार्म और उसमें किसान जो है वो एक मजदूर की हैसियत से काम करता था। जब ये प्रस्ताव लेके नेहरू जी आए, पूरी कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होके नेहरू का विरोध कर दे। चौधरी चरण सिंह ने खड़े होके कहा, पंडित जी इस भाइयों इस देश में दो भाइयों का साथ जेब में खेती करना मुश्किल, पूरा गांव मिलके खेती करेगा, ये आप ख्वाब देख रहे हो, ये तो हमारे टेम्परामेंट में ही नहीं, ये हमारी मानसिकता में ही नहीं है, ये आपका मॉडल यहां हिंदुस्तान में सफल नहीं होगा, मैं इसका विरोध करता हूं। पंडित नेहरू में भी उस टाइम पे मोदी की तरह से निरंकुशता थी, अच्छा तो नहीं लगा उन्हें कि कोई प्रदेश का एक साधारण एमएलए मंत्री उनके सामने खड़ा होके बोले, लेकिन चौधरी साहब का जो ऑरा था, जो व्यक्तित्व तो था, नेहरू की हिम्मत नहीं हुई कि चौधरी साहब को कुछ कह पाते और वो प्रस्ताव 1969 के नागपुर अधिवेशन में पास नहीं हुआ। अगर पास हो जाता तो आप आज किसान नहीं होते, आपकी जोत वही आपके खाते आपके घर में नहीं होते, आज जो आपकी किसानी आप खेती आपकी मलकियत जो आपके पास है वो चौधरी चरण सिंह की देन है, वो थे चौधरी चरण सिंह। वो बड़े विस्तार से बहुत ही विस्तार से एक एक बात को वो बताते थे, कभी भी वो छोटा बड़ा नहीं देखते थे। 24 घंटे उनका चिंतन था कि गांव किस तरह से विकसित हो। वो जब गांव की बात करते थे तो किसान केवल किसान की बात नहीं करते थे, किसान के साथ साथ कामगार की बात भी करते थे। उनका हमेशा ये सोच था कि गांव को अगर खुशहाल बनाना है तो कामगार को भी उतना ही सशक्त बनाना, उतना ही मजबूत बनाना।
जब तक गांव का कामगार मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं हो सकता। जब तक गांव का किसान मजबूत नहीं होगा, कामगार मजबूत नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक। उत्तर प्रदेश के उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक योजनाएं इस तरह की बनाई जिसमें गांव के दस्तकार को बचाने का काम करने का प्रयास किया हुआ। उनको एक पीड़ा थी कि आजादी के बाद जो मॉडल इस देश में लाया गया, उस मॉडल में जो सबसे बड़ी त्रुटि थी वो ये थी, पंडित नेहरू क्योंकि इंग्लैंड में पढ़े थे, एक पैसे वाले के बेटे थे, उन्होंने इंग्लैंड को देखा था, हिंदुस्तान के गांव का उतना ज्ञान उनको नहीं था। वो जो मॉडल लेके आए वो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल मॉडल लेके आए और आजादी के बाद जो भी विकास होना शुरू हुआ वो शहरों के चारों तरफ विकास होना शुरू हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि गांव का, सबसे पहले गांव के दस्तकार का पे चोट पड़ी। जो मोची गांव में जूते चप्पल बना के अपनी गुजर बसर करता था वो बाटा बीएससी उस टाइम पे थी, अब तो सैकड़ों कंपनी है, उसको वो बाटा और बीएससी कंपनी खा गई। जो साबुन बनाने का काम गांव का नौजवान कर सकता था उसको टाटा बनाने लगा। सुई से लेके जहाज बनाने तक का काम इंडस्ट्री में होने लगा। चौधरी चरण सिंह को का ये कहना था, हिंदुस्तान में हाथों को रोजगार चाहिए, हिंदुस्तान का औद्योगिकरण अगर किया जाएगा तो लोगों का रोजगार छिनेगा। हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी है, हमको केवल वो काम इंडस्ट्री से कराना चाहिए जो हाथों से नहीं हो सकता, जो काम हाथ से हो सकता है उसके लिए उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये सोच थी चौधरी से। हुआ क्या? हर चीज फैक्ट्री में बनने लगी, मटके भी प्लास्टिक के आ गए, कुम्हारों का भी काम खत्म हुआ, लोहारों का काम खत्म हुआ, फावड़े इंडस्ट्री में बनने लगे, कुम्हारों का, चुलाए का, तमाम लोगों के रोजगार मिले। सबसे पहले जो चोट पड़ी वो गांव के कामगार पर पड़ी, वो शहरों की तरफ पलायन करने लगा क्योंकि गांव में रोजगार खत्म हुआ। ये हिंदुस्तान जिसकी आबादी 80% गांव में थी, आज गांव में 64% आबादी, गांव में 64% आबादी है, 16% आबादी आजादी के बाद पलायन करके शहर में जा चुकी थी। शहर में क्या करते हैं जाके? हर आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि शहर में किसी अच्छी कॉलोनी में मकान बना के सम्मान का जीवन जी ले। शहर में दो श्रेणी, एक तो जो कामगार गया उसने किसी नाले पे झुग्गी डाली, नरक से भी बुरा जीवन जीते हैं वो। जे सलम अगर किसी ने देखना तो शहर के चारों तरफ जो झुग्गियां पड़ी हैं, कोई सब आदमी रहना तो दूर की बात है, अगर उन झुग्गियों में से निकल के दिखा दे बिना नाक में रुमाल रखे तो मैं शर्त लगाता हूं। नारकीय जीवन जीते हैं वो हमारे गांव के लोग हैं सर, हमारे यहीं से पलायन हुआ, हमारी सरकारों की गलत नीतियों की वजह से पलायन हुआ। सबके गांवों में सबके मकान है, लेकिन सरकारों ने उनका ध्यान नहीं रखा, उनको दिखाया गया शहर की तरफ। दूसरा वर्ग जो हमारे किसान वर्ग के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, लोनी के आसपास जाके दिल्ली में बसे, आपके कुछ गांव के होंगे, कुछ भाई बंद या रिश्तेदार होंगे, चार चार छह छह फुट की गलियों में 25-25, 50-50 गज का मकान लेके वो रहते हैं। एक भैंस नहीं रहती जितनी जगह में गांव में, उतनी जगह में परिवार रह रहा, क्योंकि मजबूरी है गांव की तरफ विकास की, जो गंगा बहनी चाहिए थी वो नहीं बही, सारा डेवलपमेंट था वो शहरों तक सिमट गया। चौधरी चरण सिंह इसका विरोध करते थे।
चौचरण सिंह का हमेशा ये कंसेप्ट था कि हमको अगर हिंदुस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो हमको पहले अपने गांव को मजबूती देनी पड़ेगी, गांव के पलायन को रोकना पड़ेगा, और गांव का पलायन बातों से नहीं रुकेगा, गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। जब तक गांव में रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे तब तक पलायन नहीं रुकेगा। चौहान साहब का ये था कि गांव के दस्तकार को बचाए पहले तो, और गांव में किसान वर्ग में जोत कम हो रही है, हर पीढ़ी में जमीन का बंटवारा हो जाता है। 100 बीघे का जमींदार 50 पे आ गया, 25 पे आ गया, 5 पे आ गया, और कुछ जिले तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और देश के ऐसे हैं जहां जोत एकड़ में नहीं बीघों में, और बीघों में ही नहीं बिस्मों में भी आ गई है। तो खेती से तो गुजारा होगा नहीं। तो चौचरण सिंह ये कहते थे कि गांव के नौजवान को जिनका गुजारा खेती में नहीं है उनको प्रशिक्षित किया जाए, वो काम जो गांव में कुटीर उद्योग के माध्यम से हो सकते हैं उनका प्रशिक्षण उनको दिया जाए। और वो समझते थे कि केवल उत्पादन करने से गुजारा नहीं होता है, उनका ये कहना था कि उनको मार्केट उपलब्ध कराई जाए, उनको बाजार दिया जाए। सरकार का ये दायित्व है कि उन बच्चों को ट्रेनिंग करके उनसे उत्पादन कराओ और उनके उत्पादक उनके उत्पाद को लाभकारी मूल्य पे सरकार खरीदने की गारंटी दे, तो इस देश का पलायन रुक सकता है, ना तो पलायन रुकेगा नहीं। यमुना नदी थी, बड़ी नदी थी, यमुना अब नदी नहीं एक गंदा नाला, दिल्ली के 17 नाले उसमें गिरते हैं, और दिल्ली के ही नहीं जिस शहर के नजदीक से निकलती है उनका सीवर सबका यमुना में गिरता। उसके यमुना के किनारे पे थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह के शहर बस गए कि यमुना के पानी से पीने का भी पूर्ति नहीं होती है, पीने का पानी नहीं मिलता, जो यमुना देश के लाखों एकड़ खेतों को सिंचाई करके जीवन दान देती थी और उत्पादन देती थी, वो नाले में बदल गई है। यमुना को निपटाने के बाद गंगा पे नंबर लगा, पहला प्लांट यमुना पार, गंगा का पानी दिल्ली के लिए ले जाया गया। वो गंगा जो सबसे ज्यादा देश की जमीन को सिंचाई का काम करती है, पहले उसको दिल्ली के लिए ले जाया गया, आज जो नोएडा जैसा बड़ा शहर बना है वो भी गंगा के भरोसे। और अगर ये शहरीकरण इसी गति से बढ़ा तो आने वाले 20 साल में गंगा के पानी से पीने की भी पूर्ति नहीं होगी, आपके खेत में एक बूंद पानी मिलने वाला नहीं। इस क्षेत्र का पढ़ के देखो आप, जब तक गंगा के पानी का से सिंचाई के साधन नहीं थे इस क्षेत्र में तब तक कुछ भी नहीं था इस क्षेत्र में। अगर 150-200 साल पीछे हम इस इतिहास में जाएं इस क्षेत्र के, तब नहरें नहीं थी, ये गंगा का पानी नहीं था यहाँ उपलब्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये बड़ा ऊंचा नीचा खाई और बड़ा टेढ़ा मेढ़ा इलाका था जिसमें कोई खास उत्पादन नहीं था। बिन पानी सब सून, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं। और इस पानी को ये बढ़ता हुआ शहरीकरण इस पानी को खा रहा है। अगर ये शहरीकरण ऐसे ही बढ़ा तो ये गंगा का एक बूंद पानी आपके खेत के लिए उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि पीने का ही नहीं मिलेगा। ये जो बिना सोचे समझे विकास किया जा रहा है देश में, जो पलायन को रोक, जो चौचरण सिंह का सपना था जिस पे काम नहीं किया जा रहा, जब तक इस पे काम नहीं होगा देश बच नहीं सकता। आज वो कह रहा 1980 में हम चौचरण सिंह के पास बैठे हुए थे, कुछ मेरे जैसे और साथी थे, वो कहने लगे देश के टुकड़े होंगे भाई। हमारी समझ में तो नहीं आया, लेकिन एक बात हमारी समझ में आती थी, जो बात चौधरी चरण सिंह कह रहे हैं उसमें दम होगा,
विषय हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन हमने मान लिया चौधरी साहब कह रहे हैं तो टुकड़े होंगे। और बोला एक नहीं दो तीन टुकड़े होंगे देश के, उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था, आज समझ में आ रहा। आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हमारी समझ में आ रहा है। उस टाइम में देश के जो नेता थे वो राष्ट्रीयता थी, देश उनके लिए सर्वोपरि था, सत्ता उनके लिए बाद की चीज थी। कोई भी सोच और कोई नीति कोई कदम वो ऐसा नहीं उठाते थे जिसकी देश में एकता और अखंडता कमजोर हो। देश की आज की राजनीति में देश कहीं नहीं है, सत्ता है। किसी का गला काट के सत्ता मिलो, किसी को उजाड़ के सत्ता मिलो, किसी को मार के सत्ता मिलो, आज के नेताओं का उद्देश्य ये रह गया कि सत्ता में बट के रहना। आज की मौजूदा सरकार क्या कर रही है? मैं गांव में जाता हूं और मैं साधारण सवाल पूछता हूं, भाई आप मौजूदा प्रधानमंत्री को क्यों पसंद करते हैं? उसका कार्य गिनवाओ। उसके 99.9% लोग ये कहते हैं, बोला ये मुसलमानों का इलाज कर देगा। ना कोई रोजगार की बात करता, ना कोई शिक्षा की बात करता, ना खेती और किसानी की उन्नति की बात करता। इस प्रधानमंत्री की उपलब्धि बताते हैं, बोला इसने इलाज कर दिया। देश बचेगा? 22 करोड़ की आबादी हमारे भाई वो अफगानिस्तान से नहीं आया, अरब से नहीं आया, वो हमारे देश की जातिवादी संकीर्णता की वजह से उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया, किसी दूसरी धारा को अपनाया। वो हमारे भाई हमारे बीच के लोग हैं, एक ऐसी खाई हमारे बीच में खड़ी कर दी। मुगलों से हमें नफरत है, ठीक है वो बाहर के विदेशी थे, लेकिन आपके गांव का जो लाया उसने अगर अपनी पूजा पद्धति बदल ली है तो आपके गांव का, आपकी मिट्टी का। कुछ हमारे भाई जिन्होंने धर्म अपना लिया, किसी वजह से नहीं आता पसंद। अगर हम ऐसी जहरीली राजनीति देश में करेंगे तो देश को कैसे एक इकट्ठा बना के रखेंगे, कैसे एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे? हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हमको इस दूषित वातावरण को शुद्ध करना है। हम कसम खाएं, हम जातिवाद और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। अगर चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं, अगर हम ऐसी संकीर्ण राजनीति करेंगे देश बचेगा नहीं, देश टूटेगा। चौधरी चरण सिंह का यह संदेश था, इसको समझने की आवश्यकता। सबसे पहले आदमी में राष्ट्रीयता होनी चाहिए कि मैं भारत का निवासी हूं, भारत को अक्षुण रखना मेरा कर्तव्य। ये सभी शपथ उठाते हैं, कसम उठाते हैं जब ये एमपी एमएलए और मंत्री की शपथ लेते हैं कि मैं देश की एकता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। लेकिन करते क्या, क्या तमाशा करते हैं, क्या हो रहा है देश में? ये देश इसलिए गया, सनातन के तीन भाग हैं, एक वैदिक सनातन, वैदिक सनातन है जहां जाति नाम का ये जहर नहीं, एक पौराणिक सनातन जिसमें गपोड़ झूठ, जिसमें कुछ चतुर और चालाक लोगों ने अपना धंधा बनाया धर्म को और अपने धंधे को चलाने के लिए ग्रंथों की रचना की, जिसके माध्यम से हमारे पूर्वजों का और हमारा बेवकूफ बनाया गया। और एक आज का सनातन है जो नफरत फैलाता, जो जहर फैलाता, जो समरसता को बिगाड़ता। चौधरी चरण सिंह ने कभी भी, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जो संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस संस्था को सरकार बढ़ावा ना दे, उसका अनुदान बंद कर दे।
वो जातिवाद दो चीजें, आप अपनी जाति में विश्वास करते हैं कोई बुराई नहीं, आपको अपनी जाति पे गर्व है कोई बुराई नहीं है, मुझे भी अपने जाट होने पे गर्व है। जाति में जाति पे अपमान होना चाहिए आदमी को, लेकिन जातिवादी नहीं होना चाहिए। जातिवाद है कि किसी दूसरी जाति से द्वेष रखना, भेदभाव करना, उत्पीड़न करना। जाति और जातिवाद में अंतर है, इस बात को समझना चाहिए समाज को। और अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम राष्ट्रीय भक्त नहीं है और हम हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के शत्रु हैं। मैंने उनसे बहुत विस्तार से सीखा, उनके उनपे बोलने के लिए दिन चाहिए, कोई छोटा उनका सोच नहीं था। चौधरी चरण सिंह ने हर क्षेत्र में काम किया। चौधरी चरण सिंह की एक पुस्तक है शिष्टाचार, मैं आपसे निवेदन करूंगा जितने लोग बैठे हैं जो चौधरी चरण सिंह वादी हैं, उस शिष्टाचार नामक पुस्तक को अपने घर में लाके गीता की जगह रख दें। अगर आपके बच्चे उसको पढ़ लेते हैं तो वो देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने की काबिलियत रखेंगे। हम उनको देखते हैं, मैं बंद कर दूं क्या कह रहे हो? मुझे बुलाते नहीं, थोड़ी देर ये निमट जाता। तो दिक्कत क्या है? हम चौचरण सिंह की बात करते हैं लेकिन चौधरी साहब को गहराई से समझने की आवश्यकता है समाज को, चौचरण सिंह की नीतियों पर चलने की आवश्यकता है समाज को, तभी ये देश एकता के सूत्र में इस देश को परो सकते हैं, अन्यथा इस देश को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह का माहौल बना हुआ, वो तो प्रधानमंत्री की थोड़ी बुद्धि में अकल आ गई। अगर वो आंदोलन एक साल और चल जाता तो एक टुकड़ा तो हो गया था देश का, तोड़ दिया था उसने देश को उसकी जिद ने। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, उस आंदोलन को उसने गंभीरता से लेके उस आंदोलन उन तीन कानूनों को वापस ले लिया, ना देश टूट गया। जिस तरह का ये जहरीला वातावरण बना रहे उससे बचना पड़ेगा। दोगली राजनीति नहीं चलने वाली। जनसंख्या थी आजादी के टाइम पे 33 करोड़, आज है 133 करोड़, 100 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। पशु थे आज से 10 गुना, जनसंख्या बढ़ी है, पशु कम हुए। पशुओं की कोई समस्या नहीं थी, समाज का ताना बाना ऐसा था कि वो बैलेंस बना हुआ था। पहले से 10%, 90% पशु कम हो गए और फिर नहीं संभल रहे हैं, क्या हो रहा है? क्योंकि पशुओं के नाम पे भी राजनीति हो रही है इस देश में। कबीर ने एक दोहा कहा था, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, और फिर दूसरी लाइन उसने कही थी, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। ठेका उठा लिया, आपके पास गाय काटने का लाइसेंस है तो आप गाय काट सकते हैं, फिर तो वो गाय नहीं है। अगर कोई बिना लाइसेंस का आदमी गाय काटता है तो वो जुल्म है। दोनों को करो ना। देश का सबसे बड़ा कत्ल खाना जिसका नाम अल कबीरा, जिसका मालिक एक हिंदू, उसके पास लाइसेंस है वो कुछ भी काट सकता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो एक बहुत बड़ा अपराध है। कैसे कैसा देश? और जो गाय भगत है, मैं अपील करता हूं इस मंच से, ये शहर के मेरे भाई जो बड़े बड़े तिलक लगा के गाय के लिए चिल्लाते हैं, ये अपने घर एक एक गाय बांध ले, समस्या खत्म हो जाएगी। और ये खुद नहीं बांध सकते तो किसी किसान को उसका खर्चा दे दे के तू बांध ले, किसान को रोजगार मिल जाएगा और उनकी गौ की सेवा हो जाएगी। चवन्नी खरसते नहीं, गाय दरवाजे पे आ जाए तो सीधा लठ मारते हैं, लेकिन
चिल्लाने के लिए सबसे आके कि गऊओं पे अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। रखो ना यार, कौन रोक रहा? ये जो नाटक इस देश में जो नाटक की राजनीति चल रही है, इससे बचने का तरीका चौधरी चरण सिंह के बताए हुए मार्ग पे चल के इस देश को आगे ले जाना। उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, हम उनको अपने बच्चों को बताएं क्या थे चौधरी चरण सिंह, क्या था उनकी कार्य नीति, क्या शिक्षा वो देना चाहते थे, किस तरह का भारत बनाना चाहते थे। जब तक हम अपने बच्चों से चर्चा नहीं करेंगे अपने घरों में, तब तक ये चलने वाला नहीं है। आपने मुझे सुना, आपने मुझे सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।